आप सब लोग, आई होप आप सारे अच्छे हो गए, ठीक हो गए। सो बेसिकली आज की वीडियो का एक पर्पज़ ये भी है, और एक मेन पर्पज़ जो आपने टाइटल देखा कि आप लोग स्कैम हो रहे हो, मतलब आप लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैक हो रहे हैं। ये बहुत ही एक ना वो चीज़ है जो मतलब मैं भी जिससे गुजरा हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे जिनके लाख लाख सब्सक्राइबर्स, मतलब 100K सब्सक्राइबर्स हैं, उनके भी अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, और कैसे और क्या क्या तरीका है इन लोगों का, कैसे ये लोग हैक करते हैं अकाउंट आप लोगों का, ये सारे जो पीछे बैठे होते हैं इनका क्या पर्पज़ होता है, इनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये कैसे आप लोगों को मतलब आपके ब्रेन मैनिपुलेट करके आप लोगों का अकाउंट हैक कर लेते हैं, और जो इतनी मेहनत आप लोगों की होती है वो सारी मतलब डूब जाती है। इतने लोग हैं इंडियन पाकिस्तानी जितने भी हैं, इनका तो मुझे अमेरिकन का इतना नहीं पता, लेकिन इंडियंस और पाकिस्तानी के तो इतने अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, आप लोगों की सोच नहीं है। और इससे बचने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मतलब लिटरली आप लोग अगली दफ़ा सेफ रहें और ऐसी हरकत ना करें कोई भी। ये मेरे साथ हो चुका है, और मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये लोग आपके अकाउंट में घुसते हैं, और क्या आप लोगों को करना चाहिए अगर आप लोग इस फेज में हैं। तो बेसिकली ये मेल आया था मुझे, ये मेरा बिजनेस इंक्वायरी मेल है जो हर एक यूट्यूबर अपना अबाउट सेक्शन में देता है। यूट्यूब खुद कहती है कि अगर आप लोगों को स्पॉन्सरशिप्स वगैरह चाहिए होती हैं तो उधर आप अपना मेल दिया करें। अब कुछ होते हैं लेजिट स्पॉन्सरशिप्स, ओके, मेरे साथ एक आधी स्पॉन्सरशिप थी जो लेजिट थी, बाकी ज़्यादातर सारी स्कैमिंग स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। अब आप लोगों को पता कैसे चले कि कौन सी लेजिट है और कौन सी स्कैम है? तो मुझे ये मैसेज आया काफ़ी टाइम पहले, अब तो ये आया था, मैं शुक्र है इसके जाल में नहीं आया। ये एक मुझे मैसेज आया था, देखें आप लोग पढ़ें गौर से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट का है, फ्रॉम एना बीपीएन, मुझे नहीं पता कौन है ये। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ एना, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंपनी। आप लोग देख सकते हैं हम आपके चैनल में बहुत इंटरेस्टेड है, हमने सारा देखा, और हम आपको एक एडवर्टाइजमेंट ऑफर करना चाहते हैं। अवर रेट्स आगे ये देखें, आप ये अपने रेट्स भी बताते हैं कि आपको एक वीडियो के 200 देंगे या 260 देंगे अगर आप सेपरेट कमर्शियल करेंगे, और सारा मतलब ना फुल एक डिस्क्रिप्शन होती है जैसा कि एक असल आपको कोई बिजनेस का इंक्वायरी मेल आएगा। तो उसके बाद आपको कहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, थैंक यू। अब आगे से मैंने इन्हें रिप्लाई कर दिया, चलो सही है मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा वगैरह पूरा ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर मुझे इनका दोबारा मैसेज आया, ये देखें, ग्रेट अवर रिक्वायरमेंट, मैंने लिखा इन्हें आई एम रेडी टू मेक अ वीडियो काइंडली सेंड, मैंने जानबूझ के अब ये लिखा क्योंकि मुझे पता था कि ये स्कैम है कोई पहले से, मैंने लिखा काइंडली सेंड मी अ हाफ ऑफ द पेमेंट एंड अ वीडियो विच यू वांट मी टू एडवर्टाइज ऑन। क्योंकि जो ये आप लोगों को स्कैम करेंगे, या तो ये आपको कहेंगे कि किसी लिंक पे जाओ और वहाँ से वो चीज़ डाउनलोड करो और अपना दिखाओ, और ये जब आप लोग डाउनलोड करते हैं तो ये एक मेलवेयर आपके कंप्यूटर में इनक्रिप्ट कर देते हैं, मतलब इंस्टॉल कर देते हैं। तो वो जो मेलवेयर होता है ना, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपकी क्रेडेंशियल्स, आपकी बैंक अकाउंट, आपका ईमेल, आपका पासवर्ड, आपकी ये सारी चीज़ें आप लोगों से छीन लेगा। तो वो आपने कभी भी नहीं करना। आप जैसे इन्होंने ये एक लिंक दी है मुझे, ठीक है, अब मैंने बजाय मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, ये लिंक पे ले जाएंगे, लेकिन जब लिंक पे जाएंगे तो वहाँ डाउनलोड की एक ऑप्शन होगी, वो हमें डाउनलोड करने को कहेंगे। जब हम वो एक दफ़ा डाउनलोड कर लेंगे और जब हमने उसे इंस्टॉल करने की कोशिश की अपने पीसी में या कहीं भी, तो आपका सारा डाटा, इंफॉर्मेशन, ईमेल, पासवर्ड सब इनके पास चला जाएगा, ठीक हो गया। तो बेसिकली आप लोग पहले सबसे पहले तो आप लोग क्लिक करें ही ना इसके ऊपर, ये बकवास है सारा। आप लोग ना पहले जाके गूगल या मोजिला पर लिख के देखें कि ये साइट लजीत है या नहीं, और इन्होंने किसी और लोगों को भी इस कंपनी के लिहाज से स्पॉन्सर किया है, स्पॉन्सरशिप दी है, या मैं अकेला ही पागल इंसान हूँ जिसे ये पहली दफ़ा स्पॉन्सरशिप मिल रही है, ठीक है। इस पर आप लोगों को रिसर्च करनी चाहिए लाजमी, वरना आपका अकाउंट हैक होने के 100% चांसेज हैं। आप लोग कभी भी बेवकूफ़ ना बने। कभी कभार ये भी होता है कि ओरिजिनल जो होती है ना साइट्स, मतलब ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी मतलब उनका नाम बना के आपको सेंड कर देंगे। इसका एक और तरीका है, यहाँ पे ये ऐसे जो मेल्स होते हैं ना, ये वाला नाम, ये आप लोग लैंग्वेज खुद देख सकते हैं, ऐसे नाम के रशियन लोग हैं जो आपको ज़बान समझ ही ना आए, जिनकी तरफ से आपको मेल आया है। ये देखें, अब ये मुझे इसकी ये जो भी बकवास यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, ये सारा मतलब यहीं से आपको पता चल गया है। मैंने इसको बाद में लिखा, हैव यू गाइज डन पार्टनरशिप विद एनी अदर यूट्यूबर्स बिफोर इट कैन
but before if can you give me a name or something, your size is not appearing as if I search on Google. मैंने सर्च करके इनकी साइट को पहले देखा था कि मैं ऐसे ही तो बेवकूफ़ों की तरह इसे डाउनलोड ना कर दूं, अगर मैंने कर दिया तो हैक भी अकाउंट हो सकता है। तो बेसिकली ये देखें, ये VPN का था और ज़्यादातर ना लोगों को जो YouTube पाकिस्तानी यूट्यूबर है, अभी एक अब्दुल्ला खतक नाम का बंदा है, व्लॉगर था, मैं मतलब ज़्यादा उसकी वीडियोज़ नहीं देखता, लेकिन फिर भी मैंने मतलब उसका देखा, अभी उसकी एक वीडियो आई हुई थी कि हैक मेरा चैनल हो गया, तो उसको देख के मुझे ये ख्याल आया कि आप लोगों को लाजमी मैं अवेयर कर दूँ। आप लोग मतलब किसी से भी ये पूछ सकते हैं, ये स्कैम होते हैं, कभी भी आप लोग ऐसे मैसेजेस पर क्लिक मत करना, आपका पूरा अकाउंट जा सकता है, और एक दफ़ा आपका अकाउंट चला गया तो YouTube वगैरह कुछ भी कोई नहीं कर सकता, वो आपका ईमेल बदलें, पासवर्ड बदलें, फ़ोन नंबर बदलें, आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ कर दें, वो सब कुछ वो कर सकते हैं, उनके पास ये हो जाता है जब आपका अकाउंट पूरा चला जाता है। तो आप लोग कोशिश यही करें कि अकाउंट अपना उन्हें मत दें और ऐसे मेल्स को इग्नोर करें। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे मेल्स पड़े हैं, मेरे पास ऐसे 3-4 मेल्स पड़े हैं, और मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ तो मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे इनके मेल्स आए हुए हैं, ये एक है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेल्स हैं, मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो ये देखें, एक ये आया था, ये पढ़ें, हाय माय नेम इज़ ब्ला 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 और मैं इस कंपनी का हूँ, बैटल नेट है, गेम्स हम लोग इसके ऊपर करते हैं वगैरह, पूरा आपका रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं, शीना जोसफ जो भी है ये फजूल, इसने मुझे ये मेल लिखा था और मैंने इनके इसके बाद इनका ये डाउनलोड भी बेवकूफ़ों की तरह कर लिया था। मेरा अकाउंट इससे हैक हो चुका था तकरीबन, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से YouTube से कह के रिकवर करवाया और शुक्र है अल्लाह का कि वो रिकवर हो गया। अगर ऐसा मैं कोई हरकत कर देता, और ये इनका इतना लजीत होता है कि आप लोग मतलब समझ नहीं पाते कि फेक क्या है और असल क्या है। इसका तरीका ये है कि आप लोग जो भी आपको साइट का कहें ना स्पॉन्सर करो, उसको पहले जाके नेट पर चेक करें कि वो लजीत है या नहीं।